नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आशित वर्ल्ड में। मुझे पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि अपने परिवार बच्चों के साथ आप खुशहाल होंगे। आज मैं ऐसे मीट मटन की चाची कहे जाने वाली सब्जी खाने के बाद मुर्गा मछली भी भूल जाएंगे ऐसी ही सब्जी के बारे में बात हम करेंगे। बिल्कुल आज कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई झूठी बात नहीं, आज एक ऐसी सब्जी के बारे में बात होगी जो कि काफ़ी प्रोटीन से भरपूर है। दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें मीट मटन खाना बड़ा पसंद है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इसे देखना ही पसंद नहीं करते हैं, इनके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसी बीच में आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ही देखा जाए तो मीट मटन खाने से काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिल जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा विज्ञान भी कहता है कि मीट मछली खाने से काफ़ी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। लेकिन प्रकृति का दूसरा उपहार क्या है जो मीट मछली खाते हैं उनके लिए क्या है? इसके विपरीत काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मांस खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने पहले भी कहा कि खाना तो दूर, देखना भी कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रकृति ने अनेक प्रकार के उपहारों में एक उपहार ऐसी भी दी है जिसकी बात अभी हम करेंगे। ऐसे में लोग भी सोचते होंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता होगा, खाने में कैसा लगता होगा, विभिन्न तरह के प्रश्न उठा करते होंगे। क्या ऐसी ऐसी टेस्ट की चीज़ें क्या प्रकृति में प्रेजेंट हैं जो बिल्कुल शाकाहारी हो, जिसको हम ले सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं और प्रोटीन युक्त भी हो? आपको बता दें, दुनिया में कैसी सब्जी है जो बेहद स्वादिष्ट होती है, जिसे आप खा सकते हैं, और ये मीट मछली से कहीं पर भी कम स्वादिष्ट नहीं है और प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन ये सब्जी बिल्कुल किस नहीं लोगों को देखने को मिलती है। दरअसल इस सब्जी का नाम लिंग गुड़ा है, जो काफ़ी कम लोग खाना पसंद करते हैं। जी हाँ, इसका नाम है लिंग गुड़ा, जो काफ़ी कम लोग इसे खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो भी खाते हैं उन्हें मीट मछली और प्रोटीन की भरपूर मात्रा में ऐसा स्वाद मिलता है। आपको बता दें, दुनिया में एक ऐसी सब्जी है जो बेहद स्वादिष्ट है। अभी आपने सुना, लिंग गुड़ा नाम का सब्जी है जो काफ़ी स्वादिष्ट है। इसे खा करके हम प्रोटीन की मात्रा को अपने बॉडी में बिल्कुल प्रचुर मात्रा में बढ़ा सकते हैं। इसे मीट मटन की चाची कहा जाता है। इसे याद रखिएगा कि लिंग गुड़ा नाम का जो पौधा है, जो सब्जी बनाने काम आता है, उसे मीट मटन की चाची कहा जाता है, क्योंकि इसमें मीट मटन जितना ही प्रोटीन होता है। ये सब्जी शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ऐसे अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, इसे आप यूज करके, विभिन्न तरह की सब्जियां यूज करके आप प्रोटीन की मात्रा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक सब्जी ऐसी भी है जो काफ़ी मात्रा में आपके लिए फायदेमंद है, जो प्रोटीन से भरपूर है। ऐसे अक्सर लोग इसको नज़रअंदाज की जाने वाली यह सब्जी काफ़ी पोषक तत्वों से भरी होती है। अगर यदि हमारा इस तरह की बातें आपको अच्छी लगी, अच्छी जानकारी को प्राप्त हुई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेटेड शिक्षाप्रद बातें आप तक पहुंचाने का अथक प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू।